इलस्ट्रेशन नंबर सिक्स। इससे पहले हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये रिलेट करता है आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा इससे पहले कि हम लोगों ने देखा कि डिबेंचर्स के साथ इंटरेस्ट का रेट मेंशन होता है, ठीक है। अब हम टॉपिक करेंगे कि आप डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट को पे करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है। एंट्रीज क्या होंगी? व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू, जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, ठीक है। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, या डिबेंचर इंटरेस्ट लिख लें या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिख लें, एक ही बात। और क्रेडिट करेंगे आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट को, क्योंकि अभी आपने पे करना है, ठीक है। ड्यू हो गया, अभी आपने पे नहीं किया, पे करना है। सेकेंड एंट्री करेंगे व्हेन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड, जब आप इंटरेस्ट पे कर देंगे तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को आप डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। थर्ड एंट्री जी, इफ इंटरेस्ट एंड इज ड्यू एंड पेड ऑन द सेम डेट, अब आपने इंटरेस्ट ड्यू हो गया और फौरन पे कर दिया तो आप डायरेक्ट एंट्री करेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर सिक्स, बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन है। A company issued 5,000 10% debentures, ये रेट है इंटरेस्ट का, ये अब हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। रुपीज 100 ईच ऑन 1st January 2017, अब कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं जी, 5,000 डिबेंचर इशू किए हैं, इंटरेस्ट का रेट है 10%, कितने का है, क्या है 100 का। इंटरेस्ट ऑन दिस डिबेंचर इज पेड हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट जो है वो पे होगा, फॉर एग्जाम्पल ऑन 30th June एंड 31st December। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसकी पे होगी आफ्टर 6 months 30th June और फिर उसके बाद आफ्टर 6 months 31st December, ठीक है। दो इंस्टॉलमेंट आप इसकी पे करेंगे। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर 2017, डेट्स आप लोगों ने खुद लिखनी है, ठीक है। अब देखते हैं जी, सबसे पहले 1st January 2017 को जब आप डिबेंचर इशू करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। कितने डिबेंचर है जी, 5,000 है, कितने का आएगा 100 का, ठीक है। ये कितना बन गया आपके पास 5, ठीक है। अब आपने इंटरेस्ट पे किया जी 30th June को और 31 December, तो 30 जून को हम इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, ठीक है। तो डेबिट करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिख लें या डिबेंचर इंटरेस्ट लिख लें, ठीक है, वर्डिंग डिफरेंट है, ठीक है ये एक्सपेंस, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब आपने ये कैसे पे करना है, कितनी अमाउंट है डिबेंचर्स की, 5 लाख, 5 लाख, रेट क्या डिबेंचर का, इंटरेस्ट का 10% मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, 6 मंथ्स के बाद पे कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, ये कितना आ जाएगा आपके पास, इसको कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 25,000 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आपने पे कर दिया। उसके बाद फिर आप 31 दिसंबर को इसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे इंटरेस्ट की, एंट्री यही होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। अगेन 5 लाख के डिबेंचर रेट कितना है 10% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, कितना बन गया ये अगेन 25,000, ठीक है। अब आपने इस इंटरेस्ट को कहां ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। साल के एंड में ही आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, एक्सपेंस है ना, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे जाता है, आप लोगों ने फाइनल अकाउंट किया हो, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कितना बनता है ये, 25,000 प्लस 25,000, ये बन गया आपका 50,000, 50,000, ठीक है। सिंपल सी इलस्ट्रेशन थी, इसको आप लोग नोट कर लें, ठीक है।